हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं देवघर मंदिर और वासुकीनाथ मंदिर का एक टूर, और हम लोग करेंगे दर्शन। उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि देवघर से जो वासुकीनाथ का रास्ता है वो कैसा है और कैसे जाते हैं, एक 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, कैसा है रोड, सब कुछ के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर के। जय भोलेनाथ। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं और ये एक नया रास्ता है। अंदर में शूटिंग अलाउड नहीं होगा तो मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये एक नया रास्ता बनाया गया है जिसके थ्रू अब लोग जाते हैं अंदर को। हो सकता है ये कुछ वर्षों पहले बना होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आया नहीं हूँ तो मुझे इस रास्ते के बारे में पता नहीं था। यहाँ से नीचे उतरना है हमें वापस, आई थिंक मंदिर के जो गर्भगृह है उधर जाने के लिए। और ये देखिए भीड़। सुबह वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने किया 1.5 घंटा वेट, बिकॉज अंदर में चल रही थी आरती। और आरती जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद हम जाने लगे। और ये जो सामने मंदिर दिख रहा है ये बाबा बैद्यनाथ धाम जो शिवलिंग है वहीं पे जो है विराजमान है। और ये जो रास्ता है हमें सीधे शिवलिंग की तरफ ले जाता है जहाँ पे शिवलिंग है। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये माता पार्वती का मंदिर है। और आफ्टर ऑल दिस अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं अंदर में, जो मेन मंदिर है उसके अंदर में। और अंदर शूटिंग पॉसिबल नहीं है तो अंदर में शूट नहीं कर पाऊँगा। तो ये है मंदिर का प्रांगण। आई डोंट नो मेरा आवाज़ आ रहा होगा नहीं। अंदर काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी हमारा दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। और ये कंप्लीट प्रांगण है जो आपको दिख पा रहा है। और ये शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है यहाँ पे, और बाकी भी कई सारे देवी देवताओं का मंदिर है। और ये जो भी आपको सामने दिख रहा है मंदिर, और ये जो बीच में रक्षा सूत्र से दोनों मंदिर को ज्वाइन किया गया है, ये शिव जी का मंदिर है। और ये जो रक्षा सूत्र से ज्वाइन किया गया है उस साइड में वो पार्वती जी का मंदिर है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन रक्षा सूत्र के द्वारा किया जाए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:12 और दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं वासुकीनाथ के लिए। वासुकीनाथ देवघर से 45 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में है और गूगल मैप पे दिखा रहा है कि 1 घंटे का समय लगेगा। रोड देखने में तो अभी सिंगल ही लग रहा है, देखते हैं आगे कहीं डबल लेन हुआ तो ठीक है, अदरवाइज अभी ये सिंगल रोड ही है। लेकिन रोड अच्छा है अभी तक तो। और ये पठारी क्षेत्र है, जो रोड है वही अप एंड डाउन से हल्का फुल्का, कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं वासुकीनाथ और आपको दिखाते हैं। बीच में एक जगह पड़ता है घोरमारा करके, वहाँ पर का पेरा नामी है। तो पहले अभी जाते वक्त हम लोग सीधे मंदिर चलेंगे और लौटते वक्त देखते हैं घोरमारा में रुकेंगे और पेरा अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर हम लोग पेरा लेंगे। और फिर हम लोग आज ही मुजफ्फरपुर की तरफ भी लौटना है। तो कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर से देवघर का जर्नी, तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सेम चीज़ वापस दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में अभी वासुकीनाथ टेम्पल का भी आपको मैं
ग्लिम्स दूंगा और वापस देवघर तक जो है इस वीडियो को बनाएंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। मौसम धूप खिली हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ है। अभी सुबह का 7 बज रहा है तो वैसे अभी कुछ गर्मी है नहीं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 11-12 बजे तक हम लोग देवघर छोड़ दें, ताकि हम शाम में 6-7 बजे तक आराम से इजली मुजफ्फरपुर पहुंच जाएं। कल मैंने स्टे का दिखाया नहीं, काफ़ी रात हो गई थी और फिर बारिश भी होने लगी थी यहाँ देवघर में, तो मैंने स्टे का कुछ खास दिखाया नहीं। एक सज्जन होम स्टे करके है, आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी सही है। सिंपल सा, मतलब एक रूम है, डबल बेड लगा हुआ है उसमें, और 500-600 उसका कॉस्ट है। अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो वो 600 तक, हमने 600 पे किया है। और रूम से अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा है। एक सेकेंड, इधर से मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट लेना है। तो रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा रूम था, रूम में कोई दिक्कत नहीं था। और अगर नॉर्मल एक रात स्टे करना है और होम स्टे टाइप का अगर आप खोज रहे हैं चीप बजट में कुछ, तो वो काफ़ी अच्छा था। वॉशरूम सबसे बड़ी बात है कि वॉशरूम काफ़ी क्लीन था। और बेसिकली जो होम स्टे की ऑनर है वो सामने वाले बिल्डिंग में रहती हैं, उन्हीं का एक बिल्डिंग है, उन्होंने होम स्टे करके लगा रखा है, तो उनका भी नेचर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव है बेटा। और इधर देख सकते हैं सोलर पैनल जो है यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छे खासे बड़े एरिया में लगा हुआ है ये पूरा सोलर पैनल का जो बेल्ट है। तो पहले हम लोग किसी इंटरनल रोड पे थे और ये दुमका वाला मेन हाईवे है जिस पे हम लोग आ गए हैं। ये 2 लेन है लेकिन सिंगल रोड ही है, 2 लेन है लेकिन रोड का क्वालिटी अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लगता है कि 10-15 किलोमीटर के आसपास कवरअप कर लिए हैं, और 30 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से और बासुकीनाग। अभी हम गुजर रहे हैं घोरमारा से और आप देख सकते हैं दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेरे की ही दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे सुखारी मंडल अनसन, सुप्रिया, माँ लक्ष्मी, सबके सब जो है यहाँ पे पेरे का ही दुकान है। और यहाँ पे कोई सुखारी मंडल एंड सन्स करके ही हैं जिनका पेरा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो अब कौन रियल वाला है वो तो पता लगाना पड़ेगा। तो लौटते हैं उस समय देखेंगे कि पेरे का कहाँ से हमें लेना है पेरा। और आई थिंक यहाँ पे केसर का पेरा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये है बाबा बासुकीनाथ का प्रवेश द्वार। समय हो रहा है 7:55 और हमने तकरीबन 45 मिनट कवर कर लिया है, 45 मिनट में 45 किलोमीटर कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। रोड काफ़ी अच्छा था और सुबह का टाइम तो ट्रैफिक भी नहीं था, आराम से ईजली 70-80 क्रॉस किया है। और बीच में एक काज जगह, वही घोरमारा की जगह पास में हल्का सा एक पैच था जो रोड थोड़ा ख़राब था, अदरवाइज रोड वाज ऑसम। देखते हैं आगे पार्किंग खोजते हैं, उसके बाद फिर कार पार्क करके मंदिर में दर्शन करते हैं। और फिर अभी तक कुछ चाय नाश्ता किया नहीं है हमने सुबह से, 4 बजे सुबह के उठे हुए हैं, तो फिर चाय नाश्ता कुछ करना है। इनफैक्ट 3 बजे, 3:30 में ही उठे थे, मैं तो 3:30 में उठा था, पापा लोग 3 बजे 2:30 बजे ही उठ गए थे। यहाँ पे पार्किंग दिखा रहा है 20 रुपये 24 घंटा के लिए, 20 रुपये है चेंज। हाँ जी भैया, कितना हुआ? 20 रुपये 20 रुपये दे रहे हैं आप? ले रहे हैं आपसे, तो आप हाथ बढ़ा रहे हैं 20 रुपये ले करके दे रहे हैं। एक सेकेंड, दो लीजिए। तो
24 घंटे का पार्किंग का चार्ज जो है वो 20 रुपया है यहाँ पे। आगे में राइट हैंड साइड पे कहीं पे पार्किंग है जैसा उसने बताया है। उसके बाद दर्शन करना है भोलेनाथ का, तो यहाँ पे हमने रोड के किनारे ही पार्क किया है। आगे जो हमने अभी जो 20 रुपये दिए उसके बाद पता नहीं उधर कहाँ पे पार्किंग था, हमें दिखा नहीं, और हम आगे आ गए और यहाँ पे 50-50 रुपये अलग से चार्ज कर रहे हैं पार्किंग का। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो ऐसे ही रोड किनारे लगी हुई हैं, और यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट लगेगा हमें दर्शन करने में। तो एक बार बस दर्शन करते हैं और फिर वापस यहाँ से निकलते हैं। हम लोग का एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग काफ़ी टाइमली आ गए हैं यहाँ पे, और अभी 8 बजने वाला है, 7:55 बज रहा था, तो आधे घंटे में अगर हम यहाँ से फ्री हो जाते हैं तो 9:30 तक वापस हम देवघर पहुँच जाएंगे, या 10 बजे तक भी अगर हम देवघर पहुँच जाते हैं तो 11 बजे तक अगर देवघर हम छोड़ देंगे तो 5 बजे तक हम मुजफ्फरपुर पहुँचने की कोशिश करेंगे, 5-6 बजे तक। ये मंदिर में जाने का रास्ता है और दोनों साइड आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी दुकानें हैं प्रसाद के लिए, और कुछ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे बाला वगैरह, घंटी वगैरह, ये सब यहाँ मिल रहा है। तो अभी बहुत सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि हम ज़्यादा जल्दी आ गए हैं लगता है, तो अभी ये धीरे धीरे खुल रही, जैसे ये भैया अपनी दुकान खोल रहे हैं। और आगे से राइट में जो है वो मंदिर है, यहाँ पे मंदिर के गेट के पास में ही एक दुकान है, काफ़ी सारी दुकान है वैसे तो, एक दुकान है जहाँ से हम थोड़ा सा प्रसाद खरीद रहे हैं और वहीं पे अंदर में चप्पल जूता वगैरह रख दिया है। और ये रहा मंदिर में एंट्री करने का रास्ता, तो अभी से अंदर हम इधर से भी अंदर जाएंगे, और शायद अंदर अगर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा तो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ चलिए अंदर देखते हैं पहले और फिर निकलते हैं बाहर में, फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा दर्शन और क्या कैसा व्यवस्था है वगैरह। मेन मंदिर है, अभी दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और वापस कार के पास आ रहे हैं। और दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ, भीड़ थी हालांकि, काफ़ी भीड़ थी अंदर में, लेकिन दर्शन फिर भी अच्छे से हुए। यहाँ पे कुछ वैसा कुछ अच्छा दिखा नहीं खाने वाने का, तो अभी हम लोग सोचते हैं यहाँ से आगे निकलते हैं, रोड साइड किसी जगह पर रुक के चाय वाय पियेंगे, और कल रात को जहाँ खाना खाए थे वहाँ पर भी हम खाना खा सकते हैं, और प्रसाद वगैरह भी लेना है रास्ते में, फिर हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग वासुकीनाथ से वापस देवघर की ओर निकल रहे हैं, बीच में हमें पेड़ा भी लेना है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी गाड़ी आप पार्क कीजिएगा, अगर आप अपने खुद के गाड़ी से आ रहे हैं तो ये लोग 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज लेते हैं, उसका अलग सेपरेट जगह बनाए हुए हैं। अभी मेरी थोड़ी सी बहस हो गई है एक जगह पर, उन्होंने मैंने जहाँ पे गाड़ी पार्क किया था वहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह का लिखा नहीं हुआ था, और बेसिकली मैंने रोड के किनारे ही पार्क किया था, फिर भी वहाँ के कुछ लोग आके बोलने लगे कि नहीं भैया आपने पार्किंग में पार्क किया ये वो, ठीक है करके जो है वो बहस करने लगे और 50 रुपये मांगने लगे। तो ये सब चीज़ से आप जो है थोड़ा सा देखिएगा, अपने आप को बचने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस सब जगह पर टूरिस्ट प्लेस पर होती है। आप यहाँ आए या कहीं और भी चले जाएँ, इन सब चीज़ों में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलता ही मिलता है। और खैर अभी यहाँ से निकले हैं, हमें पेट्रोल लेना है, ऑलमोस्ट 2 इंडिकेटर बचा हुआ है हमारे फ्यूल लेवल का,
कल निकले थे फुल टैंक करवा के, उसके बाद अभी तक 317 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं और अभी भी गाड़ी में पेट्रोल होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको फुल टैंक करवा लेते हैं एंड क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर तक जाना है हमें। तो ये पीछे जो दुकान दिख रहा है यही सुखारी मंडल पेड़ा भंडार है जहाँ पर हम लोग गए हैं। रोड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप बासुकीनाथ की तरफ से जा रहे हैं और देवघर की तरफ से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको। मैं आपको एक बार पेड़ा दिखाता हूँ कि किस टाइप का दिख रहा है। पेड़ा लेने के बाद हमने किया रूबी रेस्टोरेंट, उसी के जस्ट बगल में है वहाँ पे नाश्ता, और नाश्ता में हमने लिया था पूरी सब्जी और अचार था साथ में। नाश्ता काफी अच्छा था, काफी स्वादिष्ट था। तो अभी यहाँ पे फिलिंग स्टेशन पे आए हैं और यहाँ पे 99.55 रुपये का पेट्रोल है झारखंड में, और ये मुजफ्फरपुर में 107.95 रुपये था, तो ऑलमोस्ट 8 रुपये का डिफरेंस है। तो अभी टंकी फुल करवा रहे हैं। 350 किलोमीटर गाड़ी चल गई है अभी तक, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं पेट्रोल पंप पे ही। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में।